सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको पूरा फंडा बताने वाला हूँ ओप्पो एफ वन के डिवाइस में कलर वर्स वन प्लस एंड्रॉइड 10 का नेक्स्ट बैच वाला अपडेट कब तक आने वाला है, क्या उसके प्रोसेस होने वाले हैं, कितने कोटाज के साथ आने वाला है, कितने टाइमिंग पाने वाले हैं, मतलब यार ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स होने वाले हैं क्लियर अबाउट ओप्पो एफ वन एंड एफ वन 128 GB। एंड उससे पहले आपको बता दें भाई मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर अभी तक आप लोगों ने इसमें ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है ना सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्म कर ही दिया जाता है। तो तीनों व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेनू जैसा कि आप लोगों को पता होगा ओप्पो की तरफ ऑफिशियली ट्वीट करके बताया गया था कुछ दिन पहले कि यहाँ पर ओप्पो एफ वन के डिवाइस के लिए कलर वर्स वन प्लस एंड्रॉइड 10 का अपडेट हम 24 जून को प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड यहाँ पर साथ ही में ट्वीट करके बताया गया था भाई ट्रायल वर्जन के बारे में कि ऑन गोइंग F9 एंड F9 Pro। एंड यहाँ पर F1 128 GB का भी नेम आता है। यहाँ पर फाइनली बात करें भाई इसका अपडेट कब तक आने वाला है, भाई 24 जून को इसका स्टेबल अपडेट आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर वर्स वन प्लस एंड्रॉइड 10 ऑफिशियल वर्जन प्लान। एंड यहाँ पर साथ ही में ट्वीट करके बताया गया था ट्रायल वर्जन प्लान बीटा अपडेट। यहाँ पर बीटा अपडेट आपको जून के मंथ में मिलने वाला है। तभी कुछ दिन पहले लगभग 2 या 3 तारीख को अपडेट आया थे लगभग 10,000 कोटाज के साथ में, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने फ़ोन को अपडेट कर लिए थे। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन में अभी तक ये अपडेट नहीं मिल पाया था। यहाँ पर फाइनली बात करें भाई फिर से बीटा अपडेट आएगा या नहीं आएगा, तो अगर आपको बताए अपडेट आएगा या नहीं आएगा तो भैया जी यहाँ पर F9 एंड F9 Pro की डिवाइस के लिए अभी कल अपडेट रोल आउट होने वाला है स्टेबल अपडेट। एंड 13 तारीख को आपको रोल आउट होने वाला है F15 A91 R15 की डिवाइसों में। एंड उसके बाद भाई 15 जून को A5 एंड A9 2020 की डिवाइस में कलर वर्स वन प्लस एंड्रॉइड 10 का स्टेबल अपडेट मिलने वाला है। तो उसके बाद ही आपको F7 एंड F7 के 128 GB के डिवाइस में कलर वर्स वन प्लस एंड्रॉइड 10 का एक बार फिर से बीटा टेस्टिंग होने वाली है, जहां पर जो पिछली बार अपडेट आया था लगभग 10,000 कोटाज के साथ उसमें कुछ बग्स आ रहे हैं, गायरोस्कोप वगैरह, वाईफाई, हॉटस्पॉट वगैरह, जो भी प्रॉब्लम आती है, फ़ोन लैग कर रहा है, फ़ोन में हीटिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा फिक्स करके यहाँ पर फिर से आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा लगभग लगभग 2 से 3 दिन या 4 दिन पहले। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बार फिर से फीडबैक देना होगा ओप्पो की तरफ को, क्योंकि जो अपडेट प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आपको पता है 24 जून को इसका स्टेबल अपडेट आने वाला है एंड उसके पहले आपको एक अपडेट प्रोवाइड करेंगे जो कि इसमें कुछ भी बीटा टेस्टिंग होने वाली है, कुछ यूजर्स को मिलेगा अपडेट एंड वो फिर से बताएंगे भाई ओप्पो को कि इसमें कुछ बग्स आ रहे हैं एंड ये बग्स आ रहे हैं, तो ओप्पो फिर से उनको फिक्स कर देगा एंड बग्स नहीं रहेंगे। तो वही अपडेट आपको ऑफिशियली करके स्टेबल अपडेट करके 24 जून को प्रोवाइड कर देने वाला है। सो ये रहा फंडा F1 एंड F7 128 GB के लिए। तो आपको फिर से बीटा टेस्टिंग होने वाली है, तो थोड़ा सा आप तैयार रहिए। एंड उससे पहले आपको बताया था भाई अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है ना सबसे पहले वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्जी, ऊपर है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना तो आपको अपडेट मिलना तो तय है, क्योंकि आप एंड्रॉइड सपोर्ट चैनल पे विजिट के हो ना। तो यहाँ पर भैया फिर भी बीटा टेस्टिंग होने वाली है F128 GB में लगभग 15 तारीख के बाद बीटा टेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बीटा टेस्टिंग होने वाली है। भैया आपको बता दें कि यहाँ पर 24 तारीख को यहाँ पर कन्फर्म कर दिया गया है कि हम 24 तारीख को कलर वर्स वन प्लस एंड्रॉइड 10 का स्टेबल अपडेट रोल आउट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियल वर्जन प्लान फो कर रहा है। तो भैया इसीलिए थोड़ा सा पहले इसलिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट आता है, क्योंकि स्टेबल अपडेट में ये दिखाना रहता है कि भाई इसमें लगभग लगभग काफ़ी सारे बग्स को फिक्स करके रखा जाता है, क्योंकि अगर कोई भी बग्स हो तो थोड़ा सा मिनिमम बग्स हो, अगर आपके सिक्योरिटी पैच के थ्रू मंथली अपडेट के थ्रू सब कुछ फिक्स कर दिए जाने वाले हैं। एंड अगर आप ये सोच कर रहे हो भैया कि अगर 15 तारीख के बाद हमें अपडेट मिलता है एंड उसके बाद हमें 24 तारीख को स्टेबल अपडेट मिल ही जाएगा तो हमें बीटा अपडेट डाउनलोड करने से क्या फ़ायदा होगा, भैया फ़ायदा ये होगा कि आप बीटा टेस्टिंग कर लोगे, आपके फ़ोन में कलर वर्स वन प्लस एंड्रॉइड 10 का अपडेट पहले मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये डर है कि भाई हमारे फ़ोन में बीटा टेस्टिंग मतलब चलेगी, मतलब हमारे फ़ोन में बीटा अपडेट रन करेगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके फ़ोन में एक नया अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा अबाउट 200 और 300 MB का, तो इसमें आपका जो अपडेट है स्टेबल अपडेट कर दिया जाएगा, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, उसको एक स्टेबल अपडेट बना दिया जाएगा। मतलब जो भी अगर आप सोच रहे हो कि भाई वो हम बीटा अपडेट क्यों डाउनलोड करें, स्टेबल करें, तो स्टेबल भी कर सकते हैं। अगर आप बीटा टेस्टिंग करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं भाई, 15 तारीख के बाद ही आने वाला है। इन टाइमिंग की बात करें कितने टाइमिंग पाने वाला, भाई 8 या 9 बजे के बाद से ये स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर अपने फ़ोन में ये अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद बात करें कोटाज के बारे में, तो कोटाज बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, थोड़ी फिर रहेंगे अबाउट 5K to 10K कोटाज, यही सब रहने वाले हैं। एंड पिछली बार भी 10K कोटाज के साथ आया था F1 F7 128 GB के साथ में।
यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स तो अभी मैंने बताया डाउनलोड कर लिए थे, काफ़ी सारे यूजर बाकी हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। एंड 24 तारीख को आपको इसका स्टेबल अपडेट मिलने वाला है। एंड इसका अपडेट थोड़ा सा पहले प्रोवाइड होता बट यहाँ पर आप समझ सकते हैं F9 Pro का कल अपडेट रोल आउट होने वाला है। 13 जून इसका A15 A91 R15 का भी मैंने बताया। एंड 15 जून को A5 A9 2020 का स्टेबल अपडेट रोल आउट करना है, इसलिए थोड़ा सा लेट होगा F7 F7 F28 GB का। तो भैया जी 15 तारीख के बाद आपके फ़ोन में एक बार फिर से बीटा टेस्टिंग होने वाले, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप में रहेंगे ना तो आपका अपडेट मिस होने का जो कोई चांस नहीं है, ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये सब बातें रहे अबाउट F7 F7 128 GB फॉर कलर OnePlus Android 10, तब तक के लिए दोस्तों बहुत सारा थैंक्स।